हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आ चुके हैं हर बार की तरह इस इवेंट पे शूटिंग रेंज के पास वाले। तो भाई आज के बैच में क्या ही तबाही मचिए ना, 19 किल, 19 बंदों को मैंने वो ही लॉबी भेजा है ना कि हो सकता है अनइंस्टॉल ही कर देंगे। यहाँ पे हमारे साथ दो तीन बंदे आ रहे थे तो आप देखिए मैं उनके साथ क्या ही करता हूँ। अबे और भी बंदे किधर हैं? यहाँ मुझे सब तरफ से साउंड आ रहे थे, मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैं ये देखिए इसके साथ मैं क्या ही करता हूँ। चलो लॉबी, यहाँ मैं अपनी M24 रीलोड करता हूँ और दूसरे बंदे पर पुश कर देता हूँ। इस बंदे ने मेरा बॉट मार दिया मगर मैं बहुत बुरी मौत, इजी नॉक के साथ मैंने इसे भी लॉबी भेज दिया। भाई मैं इसके उस बॉट को ढूंढना था जिसको इसने नॉक करा है, क्योंकि इसने फिनिश नहीं करा था, वो यहीं का ही होगा। वो घर वाले बंदे आ गए, बहुत फाइट हो रही थी घरों की तरफ से भी बहुत। तो मैं वहां पे देखता हूँ, एक बंदा हम पे पुश कर चुका था जो कि बहुत गंदा गिर गया। एक बंदा थोड़ा आगे आके यहाँ पत्थरों पे बैठ जाता, देखिए कितना गंदा गिरा वो। यहाँ पे मैंने उसे लॉबी भेज दिया और दूसरे बंदों को भी सबको देख रहा था। यहाँ कुछ मुझे दिख नहीं रहा था ज्यादा खास। यहाँ पे दूर मुझे एक बंदा दिखता है, बंदा था ये बॉट था ये मुझे कंफर्म नहीं है। पेटी डाल दी उसकी, यहाँ पर हम अपनी गन रिलोड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन पर लेफ्ट से पुश करेंगे। मगर भाई ये पुश मुझ पर इतना भारी पड़ गया ना कि मैंने सोचा नहीं था। वो बंदा मुझ में क्या ही बैरल मारता है इतनी दूर से, वो सीधा मुझे 2-3 HP छोड़ता। देखिए क्या था ये, घर से नहीं मार रहा यार ये। यहाँ मैं बहुत तेज इस पेड़ का कवर लेता हूँ, पता नहीं तो पहले हील कर, मगर ये पेड़ मुझे ज्यादा देर खड़ा नहीं रख पाता। यहाँ मुझे दूसरी साइड से पड़ जाती है और मैं नॉक हो जाता हूँ। स्मोक ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने बंदे से कहूँ जल्दी से भाई स्मोक करो, मगर स्मोक कितना ही ओपी था आप बस ये देखिए। ऐसा स्मोक के पूरे एरंगल में कोई नहीं दिख रहा था, वाह ये था स्मोक। मैं जल्दी से स्मोक में पीछे गया, उसका एक बंदा मुझ पर पुश कर रहा था। जिसको कि मेरे टीममेट ने नॉक करके छोड़ दिया ताकि वो भी थोड़ा टाइम, टीममेट नॉक है वो भी रिवाइव देगा, हील कर दियो आराम से। यहाँ पे मैं बहुत मुश्किलों में रिवाइव तो हो गया भाई ओपन में बैठ के। रिवाइव होते ही मैं सबसे पहले मेड किट मारता हूँ क्योंकि इनकी पेटी बनाने के लिए हील होना भी जरूरी है। जैसे ही मेरी मेड किट खत्म होती है भाई स्मोक हट जाता है, मैं सीधा भागता हूँ कवर की तरफ। यहाँ पर आए घर में चला गया शायद रिवाइव देके, मेरा दिमाग खराब हो गया कि बहुत हो गया ये दूर दूर से, सीधा क्लोज में जाके मारेंगे। यहाँ पे देखिए इस पे बंदे पुश कर रहे हैं, उसे होश भी नहीं, ये बॉट बॉट मार रहा है। इसका एक बंदा जोन से नॉक हो जाता है शायद। यहाँ पे मैं उसके दूसरे बंदे की पेटी डाल दूँ। यहाँ पे हम लूट ही रहे होते हैं तब पीछे से मुझे 2-सीटर कार की आवाज़ आती है, तो देखिए मैं उनके साथ क्या ही करता हूँ। यहाँ मेरी गन रिलोड नहीं की, मुझे पता नहीं था, मैंने फौरन गन रिलोड करी और इसे एक हेड मार के नॉक कर दिया। भाई इस बंदे ने पक्का रिपोर्ट करी, यहाँ से फौरन इस पर पुश कर दिया हमने पैदल पैदल, दो साइड से पुश करता ताकि ये लोग हमें देख समझ ना पाए। हम दोनों लोग अलग अलग साइड से पुश करते हैं और
और यहाँ मैं इन दोनों की दोनों मार दिए। पेटी डाल देता हूँ, यहाँ पे इनकी पेटी डालने बाद इनकी गाड़ी उठाते सीधा निकल जाते हैं जोन की। जोन में हम थोड़ा अंदर जाते ही फौरन हमें एक जीप दिख जाती है, जीप उठा के हम जोन में लगा लेते हैं। जोन में मुझे कुछ आते ही एक ये ड्रॉप दिखता है, यहाँ मैं ये ड्रॉप लूटता हूँ। ये राइट में ये बाघ वाली चमगादड़ ये उड़े जा रही है, यहाँ पे कहाँ से आ रही पता नहीं। इवेंट वाली चमगादड़ उड़ ला दे, यहाँ ही उड़ रही है। हमें लगा बंदा हो सकता है मगर यहाँ कोई बंदा बंदा नहीं था। एक बार में हमें कुछ नहीं दिखता तो हम दोबारा चक्कर लगाते हैं कि शायद दूसरी बार में दिख जाए। यहाँ पर तो कोई नहीं होता मगर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक बग गया जैसे थे। देखिए मैं उनके साथ क्या ही 1v2 करता हूँ, मजा आ जाएगा। लाइक तो कर ही देंगे उस क्लच को देख के। यहाँ मैंने गन स्विच करके इन दोनों को मार दिया और पता नहीं क्यों मैं चलती गाड़ी में से कूदा और उड़े ही जा रहा था, उड़े ही जा रहा था, जमीन पर आ ही नहीं पा रहा था। यहाँ ये मेरी टीममेट को नॉक कर देता है, मैं अपने टीममेट को रिवाइव ही देता हूँ तो सामने से एक और गाड़ी आ जाती है, थोड़ा सा डैमेज देती गाड़ी में बैठ के खरों की तरफ निकल जाते, क्योंकि यहाँ ओपन में पता नहीं वो हाई ग्राउंड ले ले हमारी पेटी बनना पक्का। हाँ मुझे यही लगा पुश कर रहा है। यहाँ मैं घर में आके इन लोग को देख भी रहा था कि ये कहीं आ तो नहीं रहे, अगर आ रहे हो तो मैं स्प्रे दूँ और उसके साथ साथ में हील कर रहा था। यहाँ पे मैं दो बैंडेज और एक पेन किलर मार के यहाँ से निकल जाती हूँ। यहाँ से भाई हम थोड़ा ही आगे जाते मुझे जोन में एक ये गैरेज सा दिखता है, मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। भाई देखिए यहाँ पे क्या ही गलत सीन हो गया, यहाँ मैं नॉक होते होते बचाऊँ। यहाँ पे M24 पड़ी हुई थी और मेरे पास 4x भी होता है तो मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ उठा लूँ क्या, तो वो बोलते हाँ उठा ले तेरे पास 4x तो है। तो मैं यहाँ से M24 उठाता हूँ, स्कोप स्कोप लगाता हूँ और सामने देखने लगता हूँ तो सामने से गाड़ी जाती है, गाड़ी जा रही है। मार्क द लोकेशन, जिसको कि देखिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कोई हम पे मौसम चलाता है, ये पता नहीं लगता कहाँ से चला है मगर ये मुझे दिख जाता है। हम दोनों ही नॉक होते होते मुझे ना मुझे इसका दूसरा बंदा दिखा ही नहीं कहाँ है, वो मेरे M4 के स्पेस में दोबारा आया नहीं वरना मैं उसे नॉक कर सकता था। यहाँ पर मैं इसके दूसरे बंदे को देखते हैं तो दूसरा बंदा मैं दिखता नहीं है। मैं अपनी M4 निकालता हूँ और उसके सामने वाले को देखने लगता हूँ, यहाँ से मैं दूसरा एंगल बनाता हूँ ताकि वो मुझ पर एंगल न ले पाए। मगर ये पीक देता ही नहीं है। Watch out! नेट कर देगा करे तो। इस पे कर पुश पे कर पुश पे। इसका बंदा एक आगे आ चुका होता है तो ये स्मोक स्मोक करता है बंदे को आगे बुलाने के लिए पीछे बुलाने के लिए, मगर ये बंदा हमें देख चुका था। यहाँ मैं इसे नॉक करके बहुत सारा डैमेज दे देता हूँ, किल नहीं मिला भी मगर ये पता नहीं क्यों राइट से निकलता है, मैं इसे लॉब भेज देता हूँ। यहाँ से फिर हम डिसाइड करते हैं हमें गाड़ी उठाकर सीधा जोन में निकलेंगे। भाई वहाँ जो हम जोन में जा रहे हैं ना वहाँ की पता देखिए मजा आ जाएगा, वहाँ पे मेरे टीममेट मर जाते हैं, मैं पूरा 1v2 खेलता हूँ। यहाँ से हम निकलते हमारी गाड़ी पे बहुत गोलियाँ पड़ती मगर हम पे नहीं पड़ती। ये भी ना जोन में आगे ले और आगे ये तो बाहर है जोन
यहाँ पे जेरोक वो के है पास दोनों हमें जेरोक। एक बंदा भी निकलता है जिससे मेरे हाँ टीममेट यही बहुत वाले जेरोक अच्छा यहाँ स्प्रे देते हैं। भी गाड़ी लग रही है। ये नॉक होते होते बचा तो हम सीधे फ्रिज पे लगा लेते हैं इन लोग को देखने के लिए। उधर भी चलो, उधर भी बंदे थे। यहाँ हम जैसे ही उतरते हैं तो हमें कॉल आती है कि इधर तरफ से गाड़ी आ रही है। यहाँ पे मेरे साथ क्या ही गलत सीन होता है वो देखिएगा। बस मैं पेड़ में फंस जाता हूँ और गाड़ी मरते आनी रे। मरते बचता हूँ। वॉच आउट, यहाँ पर कॉल आती है कि स्नाइपर। पीछे से गाड़ी आ रही है। मैं बैंगल लेता हूँ मेरी एम4 में पूरा। ऊपर लेटा ये है। कैमरा एंगल देखिए मेरे स्पीड की वजह से कितना बिगड़ गया। यहाँ पे मुझे अब कुछ ऊपर ना से कर भी रहा हूँ, साउंड आ ऊपर रहे अभी थे। इतने बार फैल ले। मैं उसको देखता हूँ जाके, मर गया मैं। मगर यहाँ मेरे टीममेट खत्म है तो मैं पीछे आके गाड़ी का कवर लेके बैठ जाता हूँ क्योंकि वही रुक जा ज्यादा रुक सही रुक था। इसके अलावा कोई कवर नहीं था मेरे पास। मैं यहाँ एक राइट में स्मोक भी कर लेता हूँ ताकि कोई पूरा राइट आके ना मार पाए मुझे। मैं राइट पे तो नहीं आया, कोई एक अंधा आ गया जी। देखिए इसके साथ क्या ही करता हूँ। दिन के उजाले में स्मोक में से निकलता है उसे लोग शहंशाह कहते हैं जिसको हमने लॉबी भेज दिया है। यहाँ पे मैं अपने पास एक और स्मोक कर ईवल लेता एनिमी हूँ जिसको ये मुझे पीटी मारना वीटी था। लूटने के लिए। और फौरन ऊपर वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ। ये AWM चला ठीक रहा है, था, वो बंदा उनने पेटी डालने तो आया ना। इसका ध्यान बाकी दो बंदों पे होता, मेरी तरफ बिल्कुल नहीं होता। मैं यहाँ आता हूँ अपनी M4 पे चेक करता हूँ 6 को मैंने 3 करा या नहीं करा। ये बंदा पता नहीं किस पे M249 चलाता है। मैं इससे यहाँ मैं इसे नॉक करता हूँ। मुझे बाकी एक बंदे की तो लोकेशन एग्जैक्ट पता थी। मैं फौरन यहाँ के लेटता हूँ और अपने कपड़े वपड़े उतार देता हूँ। यहाँ पे मैं इन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 2 स्मोक नीचे कर देता हूँ ताकि उन्हें लगा कि मैं नीचे ही हूँ। आप स्मोक का यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने इस मैच में बहुत अच्छा करा है। इन लोग को लगता है मैं नीचे ही हूँ। मैं आगे जाता हूँ हल्का सा देखने के लिए तो मुझे ये बंदा हल्का सा चमक जाता है। एक दिखा बंदा ये देखिए आप, यहाँ मैं इसे नॉक करता हूँ इसका बंदा मुझे बहुत अच्छा डैमेज देता है। मैं फौरन लेट जाता हूँ और हील करता हूँ। यहाँ पे मैं हील करता हूँ। मुझे पता था कि भाई यही मौका है इन पे पुश करने का, मतलब मेरे हाथ से मेरा चिकन जा सकता है। मैं फौरन इन पे राइट से पुश कर देता हूँ। मैं पुश करके इसके बंदे को फिनिश कर देता हूँ। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जरा भी बजाओ और 50 लाइक का मैं पूरा करवा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।